अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हम डिक्शनरी पे थे, तो डिक्शनरी के अभी हम एग्जीक्यूट करवाता हूँ मैं यहाँ पे डिक्शनरी पे। सॉरी, डिक्शनरी हमने कर लिया, उसके बाद हमने सेट पढ़े हैं, ठीक है। इधर हम मैनुअल में दे लेते हैं। हाँ जी, सेट के बारे में हमें ये टास्क कवर करने हैं। ये टोटल हमारे पास टास्क हैं जी, 4 टास्क हैं, ठीक है। एक के अंदर बताया है आपने इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, देन इवन एंड ऑड नंबर बताना है, चेक दैट डे ऑफ वीक बताना है, और एंटर बताना है योर मार्क्स, ठीक है। ठीक हो गया, ओके। अब हम करते हैं जी लैब 4 को कंप्लीट, एग्जीक्यूट, ठीक है। यहाँ पे ये सेट हमारे पास आप नज़र आ रहे हैं, ओके फाइन। सेट में कैसे प्रिंट करवाया, ऐड कैसे करवाया, ऐड इसको ऑरेंज को करवाया, आर एड ही हमने 3 दिए हुए थे, तो डॉट ऐड लगा के ऑरेंज लगाया, तो ये सामने आपके ऑरेंज ऐड हो चुका है। क्लियर फंक्शन में तमाम क्लियर हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। कॉपी फंक्शन में क्या बताया कि जो है ना एफ, उसकी वैल्यू देनी है एफ _01 को, जो ये देखिए प्रिंट है _01 करवाया है, तो वो सारी वैल्यू उसको आ गई हैं जो वैल्यूज उसमें थी सिंपल एफ में। शो द डिफरेंस ऑफ सेट बताया, तो देखो दो हमने सेट लिए हैं दो, हाँ जी, एक्स और वाई में उनको स्टोर करवाया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर डिफरेंस का लगा है, डिफरेंस का जो है ना वो फंक्शन लगा है मेथड। तो इसमें क्या वो बता रहा है, डिफरेंस में चेरी और बनाना उसने शो करवा दिया, मतलब कि ऊपर भी एप्पल था नीचे भी एप्पल था, ठीक है। ऊपर भी वो, हाँ जी, तो इसने बनाना और चेरी करवा दिया क्योंकि एप्पल दोनों में सेम था, तो उसने एक्स में से बता दिया है कि कौन सा डिफरेंस है चीज़ का, ठीक है। जो चीज़ें डिफरेंस डिफरेंट हैं वो उसने शो करवा दी हैं, चेरी और बनाना। शो द डिफरेंस अपडेट, ठीक है। अपडेट में क्या काम कर रहा है, अपडेट में वो चेरी और बनाना वही काम कर देगा कि अपडेट कर देगा ना उसको जस्ट। फिर हमारे पास आ रहा है फ्रूट डिस्कार्ड, तो डिस्कार्ड में आप देख सकते हैं कि चेरी और एप्पल आया है, जो सेम थी ना बनाना, चेरी और एप्पल आया इसमें, इसके अंदर बनाना क्योंकि वो था, सॉरी डिस्कार्ड वाला फंक्शन ही है। हाँ, डिस्कार्ड लगाया तो बनाना खत्म हो गया ना इधर से, ये जो लाइन नंबर 533 पे है, ओके, उसको ख़त्म कर दिया, डिस्कार्ड का फंक्शन लगा। फिर इंटरसेक्शन आता है, इंटरसेक्शन क्या आता है, हमने मैथ में भी पढ़ा था, जो चीज़ें सेम होंगी बस वो ही शो करवाएगा, इसमें एप्पल सेम है तो इधर ऑफ कोर्स एप्पल शो करवा देगा। इंटरसेक्शन अपडेट भी यही काम कर रहा है। उसके बाद इज जॉइन ऑफ सेट्स है जी, इज जॉइन, ठीक है। इधर इसे डिस जॉइन का लगाया है, वो मैं उधर कर देता हूँ, ठीक है। उसको तो इधर एक्स डॉट इज डिस जॉइन है वाई, तो इसकी आउटपुट में वो क्या देगा, वो बता रहा है क्या ये दोनों डिफरेंट हैं, क्या आपस में नहीं ना ये जुड़ते हैं, तो वो बता देगा हाँ जी ये ट्रू है, ठीक है। इज डिस जॉइन ऑफ सेट्स, इज सबसेट ऑफ सेट्स, तो देखते हैं जी, हाँ जी, ए बी सी किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है ना ये जो है सेट वाई, तो ये इसका सबसेट है, ये सबसेट होता है इस सेट से छोटा सेट, ठीक है। तो क्योंकि एक्स एक छोटा सेट है और वाई के अंदर आ रहा है बड़े सेट के अंदर, इसलिए इसको कहते हैं एक्स इज द सबसेट ऑफ सेट वाई, इज सुपर सेट आ रहा है जी। अब सुपर सेट में क्या वो बता रहा है, वो कह रहा है कि जो सुपर सेट है क्या उसके अंदर ए बी सी है, हाँ जी है, तो वो ट्रू कर देगा इसको कंडीशन को, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इज सुपर सेट। अब पॉप ऑफ सेट्स आ रहे हैं हमारे पास,
पोप सेट्स यहाँ पे पोप, मैं आपको बताया था कि वो एक चीज को रिमूव कर देता, मतलब तीन दिन है ना एप्पल बनाना चाह रही, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, एप्पल बनाना सिर्फ रिमूव सेट्स में बाहर है के रिमूव सेट में वो क्या कर रहा है, एप्पल को कर रहा है, ठीक है रिमूव, तो इधर को क्या आ जाएगा, चेरी एप्पल और बनाना रिमूव। हाँ जी चेरी एप्पल और बनाना, एप्पल को रिमूव कर दिया ना उसने स्टार से। सिमेंटिक डिफरेंस सेट्स क्या होते हैं, सिमेंटिक डिफरेंस सेट्स 9 नंबर 594 का दे रहे हैं कि दो सेट्स लिए हैं सिमेंटिक डिफरेंस उसके ऊपर लगाया है और उसकी ये आउटपुट आ रही है कि चेरी गूगल माइक्रोसॉफ्ट बनाना आ गए हैं, जो चीज़ें इसके अंदर सेम थी वो इसने शो करवाई, मतलब एप्पल एप्पल जो था ना वो इसने शो करवाया। सिमेंटिक अपडेट भी सेम वैसे ही है। उसके बाद यूनियन, यूनियन में आपको पता है कि सारी चीज़ें आ जाती हैं, ए वन टू थ्री भी आ जाएगा, और देखेंगे ये जो सेट होते हैं ना अनऑर्डर्ड होते हैं, वरना वो 1 2 3 लिख के फिर ABC लिखता है या ABC लिख के 1 2 3 लिखता है। अपडेट का फंक्शन में क्या है जी, अपडेट में सारी वैल्यू शो करवा दी है उसने, जस्ट जो रिपीट हो रही है वो एक बार करवाएगा, एप्पल दो बार आ रहा था एक बार ही लिखा उसने एप्पल, अपडेट ये करता है। उसके बाद ये टास्क शुरू हो गए हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अच्छा ये जो इम्प्लिसिट होता है ना हमारे पास, ये हमारे पास इधर स्लाइड में भी बताया है कि ये ऑटोमेटिकली कर देता है डाटा टाइप को ना सेट्स, ठीक है सेट्स देखे हमने, एक्सेसिंग की है, एडिंग की है, रिमूव की है, यहाँ था रिमूविंग एडिंग, अच्छा जी स्लाइड के अंदर आई थिंक ये हमें मिला ही टास्क था। हाँ जी इम्प्लिसिट जो है ना ये ऑटोमेटिकली यानी कि डाटा टाइप जो है ना उसकी कर लेता है एनालिसिस, ठीक है, लेकिन एक्सप्लिसिट में हमें मैन्युअली बताना पड़ता है। जैसे इसने देखा जी 12.8 है तो उसने फ्लोट बता दिया खुद ही, ठीक है, लेकिन जो एक्सप्लिसिट होगी हमारे पास उसके अंदर हमें बताना पड़ेगा जी डाटा टाइप जो है ना इसकी सार्ट टाइप का बताना पड़ेगा, कैसे ये ऊपर कर रहा है, इंट में 10 है और फ्लोट में कितनी है 2.8, हालांकि 2.8 छोटी है 10 से, लेकिन जब वो ऐड होगी तो वो 12.8 बनेगा, तो उसने फ्लोट वाले को देने हैं क्योंकि फ्लोट टाइप अब उसकी। और इसके अंदर क्या है जी एक्स जमा वाई दो आपने वैल्यूज लेनी है, ठीक है रैंडमली, ठीक है यहाँ पे मैं 55 ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ, उसके बाद मैं ले लेता हूँ जी 10 ले लेता हूँ, तो इन दोनों को सम करके कौन सी बनेगी इंट आएगी, हाँ तो दे लें 65 इंट में बता रहा है, ठीक है। अब हमने इवन और ऑड निकालने हैं, इवन और ऑड में ये लगा हुआ है आपके सामने एक्स परसेंटेज 2 = 0 एल्स वरना चल जाएगा और फंक्शन, तो यहाँ पे हम डालते हैं जी कोई भी 55 कर लेते हैं एंटर, तो ये कह रहा है ये या 55 इज ऑड नंबर, अब वो कह रहा है कि एक कोई भी आपने इनमें से प्रेस करना है, ठीक है मतलब कि 7 पे संडे है 5 पे फ्राइडे है, तो कोई भी आप दबाएंगे तो वो बता देगा, 4 दबाते हैं जी, बल्कि आज क्या है बनता है वेनेसडे बनता है ना, तो 3 दबाते हैं, बल्कि नहीं ट्यूसडे है 2 दबाते हैं, तो ये दे लें आपको बता दिया ये आज ट्यूसडे है। ग्रेड कैलकुलेशन में से आपने मार्क्स बताने हैं तो उसने आपको ये शो करवा देने हैं, तो मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबको जी 90+ दे, कम अज कम 80 और 90+ हो जी मैक्सिमम बच्चों के, यू गोट A+ ग्रेड, ओके फाइन। ये हमारे पास अब सेट का जो था ना वो कंप्लीट हो